भीम ने उसको काट दिया तलवार से। अरे तब धड़ की पूजा बद्रीनाथ होती है, बद्रीनाथ में धड़ की पूजा होती है वहाँ बद्रीनाथ। अच्छा अच्छा, उसका सिर सटका नेपाल पशुपतिनाथ। अच्छा, नेपाल पशुपतिनाथ में। हाँ, पशुपतिनाथ में शेर की पूजा होती है। अच्छा, यहाँ लिंग की पूजा होती है। अच्छा, शिवलिंग की यहाँ होती है। यहाँ लिंग की पूजा, यहाँ लिंग अपने आप फूटा हुआ लिंग है, यहाँ खाली हाथ कोई नहीं लौटा। ये सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ शिवरात्रि का। अब दीपक रावत जी के बारे में भी कहते हैं, पहले शादी होने के बाद वो यहाँ आए थे, बच्चा 3 साल तक नहीं हुआ कोई। अच्छा, नौकरी भी नहीं लगी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम छोटा कैलाश। तो भाई जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आज हम इस ब्लॉग में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। हम यहाँ कवर करने वाले हैं कि आज छोटा कैलाश किस लिए प्रसिद्ध है, इस चोटी की हाइट वगैरह क्या है, घूमने के लिए क्या क्या अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर कितना लंबा ट्रैक है, कैसे आ सकते हैं, क्या क्या लाना पड़ेगा आपको, और यहाँ रुक रहे हैं, कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं। ये रहे हमारे महादेव, चलिए इनके दर्शन करते हैं, क्योंकि हम नहा लिए हैं अभी। चलो हो गया। तो ये हैं पंडित जी हमारे, ये आदि कैलाश धाम है, ये वहाँ के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं। अच्छा, आपका नाम क्या पंडित जी? नारायण दत्त। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर मतलब जो सबसे सही उचित समय आने का वो कौन सा समय है? अब ये सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ शिवरात्रि का। अच्छा, सबसे लाखों आदमी आता है चारों दिशाओं से। जी जी, इधर से भी रास्ता है, ये विश्वधाम हड़ाखान है इधर को। जी जी, ये हड़ाखान के रास्ते आते हैं लोग, ये हल्द्वानी भीमताल वाला रास्ता है। जी जी, ये पहाड़ वाला इधर, ये उखल कांडा वगैरह, ये खमचियों पतलोट, ये रीठा साहिब वाला रास्ता है। हाँ। और इधर से उढ़ुआ का रास्ता आता है हड़ाखान से होते हुए। अच्छा अच्छा, आज शंकर होते हुए आसपास के सारे लोकेशन। हाँ, सभी शिवरात्रि पे जगह नहीं मिलती उसे। अच्छा, लाखों आदमी आता है, सिर पर रुकता नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, सबसे मतलब वो शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला लगता है, दर्शन नहीं हो पाते। अच्छा, खाली जनता के दर्शन हो पाते, जनता के दर्शन हो पाते, और यहाँ दर्शन खाली एक मात्र आया यहाँ पर पुलिस वालों ने पकड़ा। काफी पुलिस रहती होगी फिर तो उस समय? हाँ, बहुत रहते हैं, सब प्रशासन पूरा रहता ही है भी। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे अगर ऑफ सीजन में, जैसे इसमें ऑफ सीजन चल रहे ना, ये सावन में जी फिर आएंगे लोग। अच्छा, आज से सावन जैसे स्टार्ट हो गया, पहला दिन है सोमवार, सावन का पहला दिन। हमारे यहाँ पहाड़ी में इसको सावन 16 तारीख से लगेगा। अच्छा, 16 तारीख से लगेगा हमारा मतलब। जी जी, ये पहाड़ियों का ना। जी जी, जो पक्ष के हिसाब से कल से लग गया। अच्छा, कल से लग गया, कल थी ना गुरु पूर्णिमा। जी जी, गुरु पूर्णिमा से पक्ष के हिसाब से लग गया, महीने के हिसाब से 16 से लगेगा। 16 से लगेगा। अच्छा, ये 16 से आपका मेला चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मेला चालू हो जाएगा, लोग रोज आते हैं। अच्छा, काफी भीड़ रहती होगी ना? दर्शन करने रोज आते हैं, तो सावन में रहती है भीड़। अच्छा अच्छा, सावन जैसे अब सावन चालू हो जाएगा 16 तारीख से, आप बता रहे हैं, सोमवार को तो बहुत भीड़ रहती है। अच्छा 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 अच्छा, तो आप ये माना ये नदी नाले आ गए तो अब कम हो जाएगी। नाले आ जाते हैं ना गधेरे वगैरह। जी जी जी, बिल्कुल, इससे कम हो जाती है भीड़। बारिश वगैरह भी होती रहती है तो काफी, बारिश तो बहुत होती है, बारिश तो पहाड़ की बारिश का कोई मौसम का पता नहीं चलता। और एक पक्का रोड भी नहीं बना हुआ है, तो थोड़ा और भी लोग अवॉइड ही करते हैं एक तरह से। रोड का तो ऐसा ही है, ये पहाड़ी ऐसा है ना, जो कंकरीला पत्थर वाला पहाड़ है। जी जी, पत्थर गिरते रहते हैं। अच्छा, आज डामर करो कल पत्थर, वो तो सब खराब कर देता रोड। हाँ, ये लंगूर बंदर वो पत्थर गिराते रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, कुछ पहाड़ तो ऐसे हैं बिना मिट्टी वाले पहाड़ है। अच्छा, उनमें रोड ठीक रहती है। अच्छा अच्छा, यहाँ रोड ऐसी है, यहाँ हादसा नहीं होता है, एक भोले की शंकर की कृपा है, कभी ऐसा नहीं हुआ, हादसा आज तक नहीं हुआ। तो शिवरात्रि को तो इतनी गाड़ियां आती है, जगह ही नहीं रहती है, कहीं कुछ कभी सुनाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा, हमने आज तक नहीं देखा ऐसा। हाँ, मतलब एक काफी काफी मतलब प्राचीन मान्यता भी काफी प्राचीन काल से है, बल शिव जी का एक रात रहने का स्थान है। अच्छा अच्छा, इस मंदिर के बारे में थोड़ी और चीज बताइए, मतलब ये किस लिए फेमस है और क्या क्या चीज इसकी? बीच में जब भ्रमण करने तीनों लोगों में चलते हैं जब शिव जी, जी तो एक रात रोकने का उनका ये स्थान है। अच्छा, तब ये छोटा कैलाश कहते हैं, कोई आदि कैलाश कहते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसके बाद हिम पर्वत ऊंचा है। अच्छा, हिमालय पर्वत जहाँ उनका वास है वही ऊंचा है। अच्छा, ये दूसरे नंबर पर मतलब यही दूसरे नंबर पे यही है। अच्छा, तब इसका नाम आदि कैलाश। आदि कैलाश भी कहते हैं, छोटा कैलाश भी कहते हैं लोग, अब अलग अलग नामों से। और बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे मतलब काफी अच्छा सा बना हुआ है, सारा व्यू दिख रहा है यहाँ।
इतने लोग आते हैं यहाँ, बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं। अच्छा, वो सब लोग आते हैं, जैसे भ्रमण हवाई जहाजों से भ्रमण करते हैं, ऊपर ऊपर ही नेता लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें गुम्बद नहीं बनेगा। अच्छा, गुम्बद नहीं बनेगा, ये खुला ही रहेगा मंदिर। खुला ही रहेगा, ये पहले प्राचीन से ही ऐसा है। अच्छा, इस मंदिर की मतलब मान्यता ये है कि खुला ही रहेगा। अब हम लोगों को हल नहीं जोतना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चुनाव में आते हैं हम लोग, चुन के आते हैं। हाँ। तो जिसको भी जो जिसका नाम आ गया, पूरा क्षेत्र चुनेगा, आगर भाबर वाले सारे चुनेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें जिनका नाम आ गया वो यहाँ की पूजा करेगा। अच्छा, वो यहाँ पहले पूजा करने आते हैं। पूजा करने तो पब्लिक हड़ाखान में मीटिंग होती है। अच्छा अच्छा, विश्वधाम हड़ाखान में इसकी मीटिंग होती है यहाँ की। अच्छा, टेस्ट है इसका, मतलब समिति है। हाँ। समिति में वो होगा, सारे लोगों को खबर दिया, पता बताया जाएगा, हर गांव से एक एक आदमी, दो दो आदमी आएंगे। जी जी, तब पुजारी का चुनाव करते हैं वो लोग। अच्छा, जो चुन के आएगा वही पूजा करेगा। अच्छा अच्छा, तो वैसे कितना प्राचीन मंदिर है ये? अब ये तो सतयुग से कहते हैं, सतयुग में आए होंगे शिव जी। अच्छा अच्छा, फिर द्वापर त्रेता में आए होंगे, राम रावण युद्ध यहाँ से देखा गया। अच्छा, यहाँ से देखा था शिव जी ने। हाँ, शिव जी ने। फिर द्वापर में आए, द्वापर में कौरव पांडवों का युद्ध यहाँ से देखा। अच्छा, तो ये चलते आया, वो आते रहते हैं, मतलब शिव जी का बिल्कुल मेन स्थान यही है। पांडव जब फिर युद्ध देख रहे थे, तो युद्ध जब समाप्त हुआ, फिर पांडव स्वर्ग जाने की सोच रहे थे ना। जी जी जी, तो वो इसी रास्ते आए पांडव जी। अच्छा, नया यहाँ कैलाश में मिलेंगे। अच्छा, आदि कैलाश में मिलेंगे। हाँ, नहीं मिले। फिर भागे वो, ये भीमताल होते हुए तब भीमेश्वर महादेव। अच्छा, ये नाम से जो भीमताल में बना हुआ है। जी जी, बीच में नहीं है वो, तालाब के बीच में। हाँ हाँ हाँ, वो देखा है। हाँ, हाँ, बीच में से भीमेश्वर महादेव के नाम से, तब तक तालाब नहीं था बल वहाँ। अच्छा, तो भीमेश्वर महादेव भीम के नाम से, वो भीमेश्वर महादेव के नाम से। अच्छा, तो पांडव पहले यहीं पर आए थे, फिर गए थे, फिर भीमताल को गए थे। अच्छा, प्यास लगने से उनको यहाँ के गौरव पानी पिया करते थे, तो फिर भी शिव जी मिले थोड़ी उनको। अच्छा, शिव जी फिर भी नहीं मिले? ना, 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 वो तो चलते रहे, वो दर्शन नहीं देना चाहते थे, कहते थे। अच्छा, वो दर्शन फिर बद्रीनाथ होते हुए, केदारनाथ होते हुए, जब बद्रीनाथ गए फिर पांडव। अच्छा, बद्रीनाथ में वो शिव जी ने कटड़े का रूप रख लिया। अच्छा, वो पहचान नहीं पाए। अच्छा, तब कहते हैं कि कटड़ों को हाका ना, और लोगों ने। हाँ। उन्होंने कहा भाई हाको। हाँ। कौन सा कटड़ा? भीम ने दोनों पहाड़ों के बीच में ऐसे अपनी टांग रख दी है। अच्छा, तो शिवजी ने, अब शिवजी जो होगा। हाँ। वो कटड़ा टांग के नीचे नहीं जाएगा। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, शिवजी जो शिवजी का रूप होगा। जी जी, वो नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, तो इससे पहचान पड़ जाएगी। सहदेव ने उनको हाका। अच्छा, हाका तो ये कटड़ा नहीं गया। अच्छा, बहुत तक नहीं गया, भीम को आया तो गुस्सा। हाँ। भीम ने उसको काट दिया तलवार से। अरे, तब धड़ की पूजा बद्रीनाथ होती है, बद्रीनाथ में धड़ की पूजा होती है वहाँ बद्रीनाथ। अच्छा अच्छा, उसका सिर सड़का नेपाल पशुपतिनाथ। अच्छा, नेपाल पशुपतिनाथ। हाँ, पशुपतिनाथ में सिर की पूजा होती है। अच्छा, यहाँ लिंग की पूजा होती है। अच्छा, शिवलिंग की यहाँ लिंग की पूजा, यहाँ लिंग अपने आप फूटा हुआ लिंग है। अच्छा, वही लिंग की हम वो करते हैं, उसी लिए हल नहीं जोते, लहसुन प्याज ये चीजें। अच्छा, सब मना ही है, मछली भोजन हमको सारा मना है। अच्छा, जो आपका पीछे स्थान है वो आपका ही कुटिया है? नहीं, हम ये हमारा नहीं है, अब ये सार्वजनिक हुआ, कोई भी रह सकता है। अच्छा, कोई भी रहने के लिए धर्मशाले बने हुए हो, कोई भी। अच्छा, बाकी यज्ञ अनुष्ठान में यही होते होंगे? पानी नीचे से ही आता है ना यहाँ। अच्छा, ये तो पानी सारा टपक का है। अच्छा, ये सारा मतलब बारिश वगैरह होती है? सब बारिश क्या है, जब शिवरात्रि को पंप से आता है। अच्छा, शिवरात्रि घोड़े से आता था। अच्छा, दो साल पहले इसमें घोड़ों में आता था, टेंडर होता था। टेंडर से अब तो वैसे लाइन पड़ गई है पानी की। हाँ, वो टेंडर होता था पहले। अच्छा, घोड़े 50 रूपए टीन, 60 रूपए टीन। अच्छा, टीन के हिसाब से 15 किलो का जो टीन होता है उस हिसाब से आता था। अब 2 साल पहले इसके पंपिंग योजना हो गई है। अच्छा, पंप से भरे जाते हैं टैंकर। अरे वाह। हाँ, अब ये सिस्टम है। अब आजकल हर बार तो उतना पानी चाहिए नहीं है, टपक से ही भर जाता है अब आजकल। हाँ, हाँ, अब तो बारिश हुआ, भर गया। हाँ, पहाड़ है तो बारिश भी कभी भी हो जाती है। तो अब हमको आना जाना तब पड़ता है, तो जल शिव जी को नहलाने के लिए नीचे ही लाना पड़ता है। अच्छा, अब ये तो सबका ग्रहण करा हुआ जल हुआ ना, टपक का पानी हुआ। हाँ, हाँ, तो अब नहाना धोना हम तब ऐसे हिसाब से तब वो आते हैं। अच्छा, वैसे इसकी ऊंचाई क्या होगी इस पहाड़ की? अब ये तो हमको मालूम नहीं है, अब क्या। अच्छा अच्छा, किसी ने ऐसा तो हमको बताया नहीं। अच्छा, वैसे अगर जो दिन में अपनी यात्रा यहाँ की करना चाहे तो कितने बजे वहाँ से निकले? नीचे से तो दौड़ लगाने वाले 1 घंटे में भी यहाँ पहुँच जाते। अच्छा, अब
हम तो हमारे तो दो घंटे लगते हैं। अच्छा अच्छा, कोई किसी के ढाई तीन घंटे खा जाते हैं, हमें तो तीन घंटे, कोई डेढ़ घंटे की खा आता है। अब अलग अलग हिसाब है आदमी का। अच्छा, अपनी अपनी क्षमता है चलने की। अच्छा, नीचे जाते समय तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधे से पौन घंटा। यहाँ का यही बता दें, ये सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा अच्छा, ये बना है पार्वती कुंड नाम से। अच्छा, पार्वती कुंड ये पहले सामने में शिव जी ने बनाया होगा उसे। जी जी, तो कुंड जब उस समय, फिर बाद में किसी द्वापर में भीम ने इसमें पूजा करी गए थे। अच्छा, यहाँ पर जब आए थे वो, जब उन्हें भीम ने यहाँ की पूजा करी, तो उसके बाद भीम अब पांडव तो चले गए, तो किसी रज्जुशला औरत के द्वारा इसमें नहाया गया। अच्छा, इस कुंड में नहाया गया उस समय, तो कुंड सूख गया। सूख गया हमने तो हाल ये तालाब देखा। ये 2019 में हमारे यहाँ नैनीताल के CDO साहब आए थे, विनीत कुमार जी। जी जी, इसमें बागेश्वर मीडियम है वो। अच्छा अच्छा, वो आए थे तो उनने ये पार्वती कुंड नाम से उनने बनवाया। अच्छा, ये पार्वती कुंड है। हाँ, हमें सोच रहे थे कुछ हमें कुछ पता नहीं, कुंड नाम से उनने फिर इसमें वो बना दिया। अच्छा अच्छा, उन्होंने 8 लाख रूपये स्वीकृत कर दिया, उन्होंने कहा जैसे है इसको बनवाओ। अच्छा 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 अच्छा, वैसे अगर कोई यहाँ रात में रहना चाहे तो उसके लिए कोई दिक्कत वगैरह कुछ नहीं? दिक्कत कुछ नहीं है, धर्मशाले बने हुए हैं इस साइड पे, पीछे साइड पे धर्मशाला है, वो धर्मशाले भी हैं। अच्छा, वो क्या है, हरी ग्रीन हरी टीन पर रसोई बनाने के लिए वो लकड़ी हकड़ी भी यहाँ व्यवस्था है, जंगल हुआ। अच्छा, वो रात को नहीं बन सकती है लकड़ी, इतना तो हुआ। हाँ, पानी ये टपक का ठहराई। हाँ, तो ये व्यवस्था सब ठहरी। हाँ, वैसे हम कल रात में तो हमें कोई परेशानी नहीं लगी, सब कुछ है। आप वही रहना चाहिए था ना आपको, या आप ये टेंट आपके पास, आपने ध्यान रात को आए हुए, आपको क्या पता है? हमें पता नहीं था। यहाँ धर्मशाली वही है, सबको कोई भी रह सकता है। अच्छा, कोई भी रह सकता है, खुला है, मतलब पूरा खुला है, किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है, किसी के लिए नहीं। और फोटो खींचने में भी प्रतिबंध नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी आके कोई भी रह सकता है, खा पी सकता है, चल जा सकता है। सिर्फ लिंग में टच करने का वो नहीं है, पुजारी के अलावा। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे और अंकल जी हमारे यहाँ पर आते रहते हैं द्रौपदी, हर हफ्ते हर महीने में थे तब भी आते थे। अच्छा, अब आज भी आ ही रहे हैं। अच्छा, तो कोई कोई सर श्रद्धा होगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कुमाऊं कमिश्नर जी, जी जी, दीपक रावत जी हर साल का यहाँ आते हैं, हर साल का वो बिल्कुल। अब दीपक रावत जी तो हर बार यहाँ आते हैं। अच्छा, पहले DM थे नैनीताल के DM। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद हरिद्वार चले गए, तो हरिद्वार से भी आए थे वो। अच्छा, अब तो कुमाऊं कमिश्नर आ गए यहाँ, फिर भी आए वो यहाँ। अच्छा, आदमी यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं लौटा आज तक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शिव जी का वरदानी स्थल ठहरा बोल ना। अच्छा अच्छा, यहाँ खाली हाथ कोई नहीं लौटा, अब तभी लाखों आदमी आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा इतनी है तो यहाँ पर। अब दीपक रावत जी के बारे में भी कहते हैं, पहले शादी होने के बाद वो यहाँ आए थे बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चा 3 साल तक नहीं हुआ कोई। अच्छा, नौकरी भी नहीं लगी, अब IAS करा ठरा, लगी नहीं नौकरी। हाँ, तो यहाँ आए होंगे, उस समय कोई जानते नहीं थे, जैसे आपको नहीं जानते वैसे नॉर्मल आदमी की तरह, आप भीड़ में क्या पता चलता कौन है। सही बात है, किसे कहा तो वो आगे चल जाएगा। आने से उनने मांगा होगा, फल मिल गया, फल मिला तो डायरेक्ट बच्चा भी होने वाला हो गया और नैनीताल के DM भी नए बन गए। अच्छा, इतनी मान्यता है यहाँ की, बिल्कुल सच बात है। बन करके आगे वो हर साल यहाँ बच्चे को लेके आए थे, फिर वो अभी आए थे बीच में, बीच में नहीं है, हर साल आते हैं वो। अच्छा, हर साल बीच शिवरात्रि पर वैसे भी आ जाते हैं। अच्छा, वो इतना मानते हैं। अच्छा, अब IAS तो करा होगा उनने। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक उनके ऊपर आस्था थी तो उन्हें। हाँ मतलब मेहनत उनकी थी, फल उनको मिल गया, उसमें फल मिल गया उनको। हर आदमी को यहाँ दिया जलते हैं, हाथों को बांधते हैं, ऐसे पूरा बांधने का सिस्टम है। अच्छा 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 अच्छा, जो मांगेगा वो मिलेगा, वो सुबह मिलता है फल, बेल का दाना या। अच्छा, वो बेल चढ़ाए थे हमने। हाँ, बेल का दाना देते हैं ना फल में। हाँ, अब बेल के दाने में ना कम हो गए तो बेर दे दिए, बेर के दाने। हाँ, तो वहीं पर आइडिया आ जाएगा आपका, जैसे ही फल आपको मिला। हाँ, तो गिर गया हाथ से तो इसको, तो आपका इसका मतलब आपको कोई फल नहीं मिला। अच्छा, जिसका रुक गया। हाँ, मतलब देते कौन?
पुजारी लोग देते हैं हम लोग। अच्छा, पुजारियों को ही वो ठहराओ उसका। पंडित जी आपने इतना कुछ बताया इस मंदिर के बारे में, हमें इतनी सारी जानकारी दी। जी आप शाम को निकलते होंगे? हाँ शाम को निकल जाते हैं, अभी दिन भर यहीं रुकेंगे। खाना पीना नहीं, लेके आते हो शाम को? एक ही टाइम खाते हैं? वहाँ टच कैसे करेंगे? एक टाइम मतलब रोज एक टाइम खाते हो? रोज एक टाइम। अभी खाना खा के नहीं आए? नाश्ता नाश्ता करके फिर वो वहाँ टच कैसे? नहीं होता है, देखो चाय पी सकते, दूध पी सकते बस, बाकी नहीं। अब वही टच नहीं कर सकते, फल खा सकते, केला वेला खा सकते, तभी तो हम लोगों को चुना जाता है। अच्छा, मतलब इस आप लोगों से मिल जाता है हमको। अच्छा, हमारी तनख्वाह कुछ नहीं डरी। अच्छा, जो चढ़ा हुआ हुआ वो हमारा हुआ। अच्छा, बाकी गांव वाले भी नाली देते। मतलब इस मंदिर का पुजारी बनने के लिए मतलब काफी कुछ धर्म कर्म का पालन करना पड़ता है। जरूरी है, एक टाइम खाना है, नहाना है। अच्छा, सावन में पूरा सावन भर दो टाइम नहाना डरा, यहाँ से घर जाएंगे फिर नहाएंगे, सुबह नहा के शाम को भी नहाएंगे। अब सावन में तो कुछ दिन यही रहेंगे, किसी दिन यही, इसी दिन चलो तुम।